हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनको स्कॉलर। मेरा नाम मोहित है और मैं करेंटली एक पीएचडी स्कॉलर हूँ एम्स न्यू दिल्ली इंडिया में। इस चैनल में हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज से, जो कि रहेगी कैंसर मल्टीओमिक्स फ्रॉम बिगिनिंग टू पब्लिकेशन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रीली अवेलेबल कैंसर रिसर्च के डेटा सेट्स को कैसे अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में पहली वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन टू TCGA। TCGA मींस द कैंसर जीनोम एटलस। ये कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा को जनरेट करने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडी जो अभी करंटली अवेलेबल है। TCGA के बेसिक्स को डिस्कस करने के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं एक बेसिक नॉलेज के साथ शुरू करें। बैचलर्स, आई एक्सपेक्ट कि बैचलर्स डिग्री आप किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेज में होंगे तो आपको कैंसर बायोलॉजी का बेसिक आपको पढ़ाया गया होगा। तो बैचलर से लेकर PhD स्कॉलर जो भी कैंसर बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं लोग, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। आई फर्दर एक्सपेक्ट कि आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक आइडियाज अपने माइंड में क्लियर रहें ताकि हम स्मूथली अपने वीडियोस में आगे बढ़ सके। स्टार्टिंग विद बेसिक डेफिनेशन कि मल्टीओमिक्स डेटा सेट क्या होते हैं, एक डेटाबेस क्या होता है, तो हम पढ़ सकते हैं मल्टीओमिक्स डेटा सेट के बारे में। फर्दर हम जीनोमिक्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हाउ ट्रांसक्रिप्शन वर्क्स, हाउ ट्रांसलेशन वर्क्स। फर्दर कैंसर बायोलॉजी के कुछ पेपर्स आपने एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ बेसिक पेपर्स आपने पढ़े हुए होने चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जस्ट बेसिक डेफिनेशंस, क्या काम करते हैं हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, आपको ये सभी बातें दूसरी वेबसाइट्स पर या दूसरे वीडियोस पर इजीली गूगल पर भी मिल जाएंगी। फर्दर एक डेटाबेस क्या होता है, एक डेटाबेस या एक डेटा सेट क्या होता है, इसके बाद आ जाता है हाई थ्रूपुट टेक्निक्स। हाई थ्रूपुट टेक्निक्स आप देख सकते हैं नेट पर इजीली। जो क्लासिकल टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप मान लीजिए कैंसर में एक या दो जीन्स की स्टडी करते हैं, PCR लगाते हैं, ये सब लो थ्रूपुट टेक्निक्स, मतलब आपको एक बार में इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड मिलती है। लेकिन हाई थ्रूपुट टेक्निक्स में जिनका एग्जांपल है माइक्रोएरे जीन एक्सप्रेशन, आप एक साथ थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन लेवल आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके के टेक्निक्स को हम हाई थ्रूपुट टेक्निक्स बोलते हैं। इसी में सबसे कॉमन टेक्निक्स जो आजकल यूज होती है दैट इज DNA सिक्वेंसिंग एंड RNA सिक्वेंसिंग। लेकिन हाँ, ये लो थ्रूपुट भी हो सकती है, तो मेक श्योर आपको क्लियर हो स्पेसिफिकली कि हाई थ्रूपुट DNA और RNA सिक्वेंसिंग कैसे होती है। फर्दर जो डेटा होता है बायोलॉजिकल डेटा, उसमें बहुत टाइप के डेटा हो सकते हैं। उसमें से लेट्स से आपके पास DNA सिक्वेंसिंग एक डेटा का टाइप है, या आप RNA सिक्वेंसिंग भी बोल सकते हैं, ये दूसरा डेटा है, या आप DNA का मिथाइलेशन ये भी एक डेटा टाइप है, या फिर DNA में म्यूटेशन तो आप दूसरा, आप कॉपी नंबर DNA का कितना है। तो ये अलग अलग तरीके का डेटा टाइप्स हो सकता है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में मल्टीओमिक्स जब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से एक एरिया आता है DNA मिथाइलेशन विच कम्स अंडर एपिजेनेटिक्स। तो आपको बेसिक आइडिया जीनोमिक्स का जब होगा तब आप एपिजेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे DNA के बेसिक कुछ मॉडिफिकेशंस की वजह से पूरा ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी चेंज हो जाता है। फर्दर आपको आइडिया होना चाहिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का, माइक्रो RNAs का, एक्सोम सिक्वेंसिंग का। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो अब हम मूव करते हैं बेसिक ऑफ TCGA।
इज वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम जिन्होंने ह्यूमन कैंसर्स का मल्टीओमिक्स डेटा जनरेट किया है. अब इस ये स्टडी आई है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएसए से. इस स्टडी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जे सी सेंक्लूजन. आप देख सकते हैं ये स्लाइड्स डायरेक्टली उनकी एक प्रेजेंटेशन से ली गई है, तो मैं बस एक बेसिक आइडिया डिस्कस करूंगा टीसीजीए क्या है, ये स्टडी कब शुरू हुई और इसमें किस किस टाइप के डेटा है. लेट्स स्टार्ट. सो टीसीजीए का बेसिक टाइमलाइन, ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टडी किया गया, कब कब स्टडी किया गया और ये प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ. आप देख सकते हैं द पायलट प्रोजेक्ट, इस स्टडी के जो इनिशियल पायलट स्टडी थी, बेसिक स्टडी थी, वो दो कैंसर्स पर की गई थी. दैट वाज ब्रेन कैंसर का मेजर टाइप ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, साथ में ओवेरियन कैंसर. तो दो कैंसर्स पर इन्होंने इनिशियली डेटा जनरेट किया जो कि मल्टीओमिक्स डेटा था. सो आप देख सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट्स, उन्होंने एक बेसिक मेथड डेवलप किया कैसे मल्टीओमिक्स डेटा जनरेट किया जा सकता है, जो कि हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज के थ्रू था. फर्दर एक बेसिक उनका एम था कि जो भी डेटा जनरेट हो वो पब्लिकली अवेलेबल हो, यानी एक ब्रॉड रेंज ऑफ ऑडियंस वर्ल्ड वाइड इस डेटा सेट्स को यूज़ कर सके. इन डेटा को यूज़ करके हम कुछ अच्छी इंटरप्रिटेशन निकाल सके ताकि फर्दर हम थेरेप्यूटिक्स में इसको यूटिलाइज कर सके. इसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया. सो आप देख सकते हैं लगभग 2014 तक इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया और उस एक्सपेंशन में इन्होंने जो इनिशियली दो कैंसर्स थे उससे आगे बढ़कर दे मूव्ड टुवर्ड्स दिस नंबर ऑफ 25 to 35 ट्यूमर टाइप्स, अलग अलग टिश्यूज के कैंसर्स की तरफ उन्होंने डेटा जनरेट किया. बहुत सारे जो उनके पाइपलाइन थी, उन्होंने क्या क्या मेथड्स यूज़ किए, क्या क्या उनकी कोलैबोरेशंस हुई, क्या क्या उन्होंने अपना स्टाफ मैनेज किया, डेटा कौन जनरेट करेगा, कौन एनालाइज करेगा. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इस स्टडी को अपने फाइनल वे की तरफ लेकर गए. फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड जो पैथोलॉजी के टिश्यूज होते हैं, यूजुअली पैथोलॉजी डिपार्टमेंट यूज़ होते हैं, सो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के उनके प्रोटोकॉल्स भी इन्होंने यूटिलाइज किए. और फाइनली दे वेंट टू अ नंबर विच इज 10,000+. तो 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स उन्होंने कवर किए, जिसमें उन्होंने अराउंड 33 टाइप्स के कैंसर मेजरली उन्होंने स्टडी किए. और आफ्टर एवरी कैंसर का स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने हर एक कैंसर पर एक पेपर निकाला, जिसको यूजुअली बेंचमार्क पेपर या फ्लैगशिप पेपर्स ही बोलते हैं. वो पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए. तो लेट्स से उन्होंने एक कैंसर को का जीनोमिक्स या मल्टीओमिक्स स्टार्ट किया, कुछ साल तक उस कैंसर पर पूरा डेटा जनरेट किया, उस डेटा को एनालाइज किया एंड दे पब्लिश्ड ए मेजर पेपर जिनको उन्होंने बेंचमार्क पेपर्स बोला. सो अभी तक इंडिविजुअल कैंसर्स पर उन्होंने पेपर पब्लिश किए, एक एक कैंसर का मल्टीओमिक्स कैरेक्टराइजेशन, जिसमें उस कैंसर का कौन कौन सी उसमें डीएनए मिथिलेशन होता है, कौन कौन से डीएनए में म्यूटेशन होती है, उन डीएनए म्यूटेशंस का उनके उस कैंसर में जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें कवर की. तो लेकिन तब भी ये सिंगल सिंगल कैंसर्स पर पेपर थे. इसके बाद दे स्टार्टेड डूइंग पैन कैंसर एनालिसिस. पैन कैंसर एनालिसिस में उन्होंने जितने भी उनके पास डेटा जनरेट हुआ था सारे कैंसर्स का कवर करते हुए एनालिसिस किया. तो इससे क्या निकल कर आया कि कैंसर बायोलॉजी कैसे काम करती है. सो इससे कुछ कैंसर्स में कॉमन पैटर्न निकल कर आए, जिससे पता चलता है कि कुछ टिश्यूज़ में
जो कैंसर है वो सिमिलर बिहेव करते हैं। सो आप सोच सकते हैं इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि लेट्स से एक कैंसर के लिए कोई मेडिसिन दी जा रही है ऑलरेडी क्लिनिक में, और आपको पता चलता है कि उस कैंसर की प्रॉपर्टीज दूसरे किसी कैंसर से एग्जैक्टली मिलती हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल, तो आप सेम मेडिसिन आप इस दूसरे कैंसर में भी देंगे तो देर आर चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे। सो इस तरीके के जो उन्होंने एनालिसिस किए, जो बेसिक जो पूरे कैंसर टाइप्स को कवर करते हुए पेपर्स थे, सो इनको नाम दिया गया पैन कैंसर एनालिसिस पेपर्स। अब डेटा क्या क्या था उनका, देर आर अराउंड 33 फॉर्म्स ऑफ कैंसर जिसका उन्होंने डेटा जनरेट किया है। आप देख सकते हैं ब्रेन, लंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ कैंसर, मगर हर एक कैंसर का उन्होंने मल्टीपल डेटा टाइप्स जनरेट किया। कुछ डेटा टाइप्स इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द क्लिनिक, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, टिश्यू की साइट कौन सी है, वेदर इट इज लेट्स से फॉर सेम कैंसर उन्होंने कैंसर टिश्यू भी लिया है, नॉर्मल टिश्यू भी लिया है, एडजेसेंट या डिस्टेंट मेटास्टैटिक टिश्यू भी यूटिलाइज किया है। तो ये सब तरीके के उन्होंने डेटा जनरेट किए हैं अलॉन्ग विद द क्लिनिकल डेटा। तो अगर आप कैरेक्टराइज कर चुके हैं किसी कैंसर में किसी भी तरीके का डेटा, आपकी उसकी एसोसिएशंस आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल डेटा से कैसे हो सकती है। तो आप ये सारा एरिया आप देख सकते हैं, ये सारा डेटा क्लिनिकल डेटा है। मगर इसके बाद आप देख सकते हैं जीन एक्सप्रेशन डेटा, दिस इज कंप्लीटली आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर डेटा, कॉपी नंबर, LOH, मिथाइलेशन पैटर्न, इट इज DNA मिथाइलेशन पैटर्न, माइक्रोएरे की एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, DNA का सीक्वेंस या प्रोटीन लेवल्स। सो ये सारा हमारा मॉलिक्यूलर डेटा है। तो दिस इज हाउ द डेटा वाज जनरेटेड। एज आई सेड उन्होंने FFPE दैट इज फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिल्म एम्बेडेड टिश्यू, जो आप यूजुअली पैथोलॉजी में टिश्यूज यूज होते हैं, इसको यूटिलाइज किया है। टिश्यूज को इनिशियल QC, इनिशियल QC आप सोच सकते हैं कि लेट्स से उन्होंने ट्यूमर टिश्यूज लिए थे, तो ट्यूमर टिश्यूज का QC मतलब टिश्यू में मैक्सिमम पार्ट ट्यूमर होना चाहिए, टिश्यू डेड टिश्यू नहीं होना चाहिए, नेक्रोसिस नहीं होना चाहिए। तो दे हैव यूज्ड मल्टीपल क्राइटेरियाज ताकि बेस्ट टिश्यू यूटिलाइज वो कर सके अपने मल्टीओमिक्स डेटा को जनरेट करने के लिए। और उन टिश्यूज से फर्दर उन्होंने RNA, DNA, प्रोटीन ये सब निकाला है। फर्दर उस इन सैम्पल्स को सीक्वेंसिंग किया है, वेदर इट इज RNA सीक्वेंसिंग, DNA सीक्वेंसिंग या DNA मिथाइलेशन, ये सब डेटा को उन्होंने अपनी डेटा की रिपोजिटरी में स्टोर करके रखा हुआ है। इसमें से कुछ डेटा उन्होंने एनालाइज किया, और एनालिसिस करने के बाद जो डाउनस्ट्रीम डेटा है, क्योंकि इनिशियल डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है और उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करने होते हैं अगर आपको एकदम जो बेसिक रॉ डेटा यूज करना है। लेकिन बहुत सारा डेटा उन्होंने एनालिसिस करने के बाद रखा हुआ है जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अवेलेबल फ्रॉम देयर रिपोजिटरी GDAC। आप टाइमलाइन देख सकते हैं, इनिशियल कैरेक्टराइजेशन जो QC और DNA RNA आइसोलेशन, इट टुक्स सेवरल इयर्स, आइसोलेशन टुक्स फ्यू मंथ्स, फर्दर दिस इज द टाइम दे यूटिलाइज फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ओके, ये लिस्ट है, बेसिकली ये मैप है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो कलैबोरेट
करके जिन्होंने डेटा ये जनरेट किया है, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ने अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग अपना पार्ट प्ले किया है इस डेटा को जनरेट करने में. नंबर ऑफ केसेस हाईएस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, यू कैन सी 1100 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा है ब्रेस्ट कैंसर का. आप लोएस्ट देख सकते हैं कुछ कैंसर्स में, क्योंकि तब तक स्टडी खत्म कर चुके थे वो कुछ कुछ कैंसर्स में. और ये कैंसर भी रेयर हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑब्वियसली कम होंगे और उनका डेटा भी कम होगा. ये डेटा का रफ आइडिया कि ये डेटा कितना बड़ा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका टोटल साइज इज ओवर 2.5 पीटाबाइट्स. तो अगर 1 पीटाबाइट को हम डीवीडीज में कॉपी करेंगे तो दे यूजुअली गिव दिस पिक्चर, जो आपको आइडिया देती है कि अगर 1 पीटाबाइट को आप कॉपी करोगे डीवीडीज में, तो आपको इतनी सारी डीवीडीज आपको लग जाएंगी. उन्होंने 33 कैंसर्स को कवर किया है, जिसमें से रफली 10 तो रेयर कैंसर्स हैं जिनका सैम्पल्स मिलने में ऑब्वियसली दिक्कत हुई होगी. एंड अप्रॉक्सीमेटली 11,000 पेशेंट्स का उन्होंने डेटा जनरेट किया है, और 7 मेजर टाइप ऑफ डेटा है जो अभी हमने डिस्कस किया. डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए मिथिलेशन, आरएनए सीक्वेंसिंग, माइक्रोआरएनए सीक्वेंसिंग, कॉपी नंबर वेरिएशन, प्रोटीन प्रोटीन क्वांटिफिकेशन. तो दिस इज द डेटा, इसको उन्होंने यूटिलाइज करके अपने पब्लिकेशन निकाले. एज आई सेड अर्लियर, इनिशियल जो पब्लिकेशन थे 2015 तक थे, मैक्सिमम ये एक एक कैंसर को यूटिलाइज करके थे. तो आप यहाँ तक देख सकते हैं 2014 तक कोई भी पैन कैंसर का पेपर एक ही था. इसके बाद मैक्सिमम यू विल फाइंड कि पैन कैंसर के पेपर्स जिसमें मल्टीपल कैंसर्स को एक साथ उन्होंने एनालाइज किया, ऐसे पेपर्स सबसे ज़्यादा उन्होंने जनरेट किए. और एज दिस डेटा इज कम्प्लीटली पब्लिकली अवेलेबल, तो आप भी अपने बेसिक आइडियाज़ को, अपने बेसिक हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर सकते हैं. अगर आपका डेटा इन कैंसर्स से रिलेट करता है तो द रेस्ट इज हाउ दे जनरेटेड द डेटा, उनकी फैसिलिटीज. सो यू कैन सी जिनोमिक डेटा एनालिसिस का उनका नेटवर्क है जहाँ पर डेटा एनालिसिस होता है, और ये डेटा आता कहाँ से है, डायरेक्टली फ्रॉम द टिश्यू साइट्स. डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने सैम्पल कलेक्ट करके, क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करके सेंट्रल रिपोजिटरी में जमा किया है. सेंट्रल रिपोजिटरी से वो कैरेक्टराइजेशन सेंटर्स पर गया है जहाँ पर उसका सीक्वेंसिंग हुआ है. और फाइनली रॉ फॉर्मेट में उन्होंने अपना जो डेटा है वो स्टोर किया है जीडीसी पोर्टल पर. एंड आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ एनालिसिस फ्रॉम द जीनोमिक डेटा एनालिसिस नेटवर्क, दे हैव फाइनली केप्ट द डेटा ऑन देयर जीडीसी प्लेटफॉर्म. और इसमें से जो फाइनल डेटा है उन्होंने रिसर्च कम्युनिटी के लिए डायरेक्टली ओपन रखा है. सो अगर आप एंड यूज़र हैं, आप एक कैंसर रिसर्चर हैं जो कि यूज़ करना चाहते हैं इन डेटा सेट्स को, आप बने रहिए इस सीरीज़ में. आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि इन डेटा सेट्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप स्टैंड अलोन इन डेटा सेट्स को भी यूटिलाइज करके पेपर पब्लिश कर सकते हैं, या फिर अपने डेटा सेट्स के साथ इनको एज अ वैलिडेशन डेटा सेट भी यूटिलाइज कर सकते हैं. एडिशनली आप इन डेटा सेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए, और उसको उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर सकते हैं अपने पेशेंट के कोहोर्ट में. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जैक्टली डेटा को यूज़ कैसे करना है, कैसे डेटा को डाउनलोड करना है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो आई होप आपको इस वीडियो में जो कंटेंट है समझ में आया होगा. वी विल ट्राई कि आपको बेसिक सिस्टम के आपको जो फंक्शन आते हैं उन्हीं को यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे इस डेटा को इस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं कि आपको कोई ज़्यादा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी नहीं चलाने पड़े. आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं. सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.